पहले श्रद्धा और अब निक्की, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने देश भर के करोड़ों माँ बाप के सामने एक बड़ी चिंता और बच्चों के लिए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के छोटे से जिले झज्जर की रहने वाली निक्की को उसके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला, पढ़ने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में इस भरोसे से भेजा कि बेटी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी, उनका नाम रोशन करेगी। लेकिन निक्की ने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ दिया, उन्हें बिना बताए साहिल से शादी कर ली। सालों तक उस रिश्ते को छिपाकर निभाती रही। निक्की अगर अपने माँ बाप को सब सच बता देती तो शायद आज वो जिंदा होती। माँ बाप अपने बच्चों पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, उन्हें उनकी जिंदगी जीने की पूरी आजादी देते हैं, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप को अपना दोस्त नहीं समझते जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ता है। आज देश के हर माता पिता और बच्चे को निक्की के मम्मी पापा की बात जरूर सुननी चाहिए। निक्की के मम्मी पापा टीवी पर आ रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हर मम्मी पापा को बहुत बड़ा सच बताएंगे। दिल्ली पुलिस हमारा पूरा सहयोग कर रही है और अब हम इस हिंदुस्तान की जनता से और भारत सरकार से यही चाहेंगे कि कोई ऐसा कानून बनाए कि ऐसे अपराधियों को तुरंत से तुरंत सजा मिले और कम से कम फांसी की सजा मिले, ताकि आगे हमारी बेटी के साथ जो हो गया वो किसी और बेटी के साथ ना हो। लव लिव इन या सीक्रेट शादी, धोखेबाज बॉयफ्रेंड की वजह से बेटियां अपने माँ बाप से झूठ बोल देती है। निक्की ने मंदिर में साहिल से शादी तक की लेकिन मम्मी पापा से नहीं बताया। साहिल ने इसी बात का फायदा उठाया और निक्की का मर्डर कर दिया। सभी बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने माँ बापों को सारी बातें बताएं, अपने माँ बापों को दोस्त समझें और उनको जो भी छोटी बड़ी जो भी घटना हो सब बता देनी चाहिए अपने माँ बाप को। अब निक्की दुनिया में नहीं है। जिस लड़के पर उसने अपने परिवार से ज्यादा भरोसा किया वही लड़का उसका कातिल निकला। मर्डर के बाद भी निक्की के पापा ने जब साहिल को कॉल किया तो उसने झूठ पर झूठ बोला। पहले उसी के मोबाइल पे फोन किया था, साहिल के मोबाइल पे, उसने ये बोला कि वो घूमने गई है, मेरे को गुमराह कर दिया उसने, बिल्कुल ऐसी बातें बनाई कि कोई शक नहीं हुआ उसको। सोचिए एक ऐसा शातिर अपराधी जिसने झूठे प्रेम के जाल में पहले निक्की को फंसाया, फिर 2020 में एक मंदिर में शादी कर ली, 3 साल तक पति पत्नी की तरह रहने का बहाना बनाया। निक्की ने जब दुनिया को बताने का प्रेशर बनाया तो साहिल ने दूसरी लड़की से शादी का फैसला कर लिया। सुबह दूसरी लड़की से मंगनी की, उसी दिन रात में वो पहली बीवी के साथ रहा। अगले दिन उसने निक्की को गोवा चलने के लिए कहा और मौका देखकर निक्की का मर्डर कर दिया। सोचिए जो मर्डर के साथी थे, मर्डर के बाद वो साहिल की दूसरी शादी में बाराती बन गए। अब साहिल हवालात में है। निक्की की माँ और पिताजी जिंदगी भर के लिए अपनी बोल्ड और बहादुर बेटी को खो चुके हैं। बस एक बात का मलाल रहेगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। काश निक्की साहिल के बारे में सब सच सच बता देती। निक्की के मम्मी पापा बार बार एक ही बात कहते हैं, साहिल को फांसी मिले। जो असली दोषी है कि तो मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसको जी। और जो इसमें सम्मिलित हैं उनकी उनकी भी ताउम्र सजा होनी चाहिए। अन्याय हुआ है मेरे हमारे साथ में, अन्याय जो हुआ है लड़की के साथ में पूरा अन्याय है। हमें उस बात का पता ही नहीं है, ना कभी कोई जिक्र किसी बात का हुआ, कभी भी बिल्कुल नहीं बताई। मैं फोन पे भी बात करता था, कभी कोई परेशानी नहीं बताई उसने मेरी। और अब कोई बेटी अपने मम्मी पापा से बॉयफ्रेंड के बारे में ना छिपाए, सीक्रेट शादी के रास्ते पर ना जाए। साहिल जैसे लड़कों से बेटियों को बचाएं, मम्मी पापा अलर्ट हो जाएं, आज ही हर बात शेयर करना शुरू करें।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।